अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप सब उठ गए होंगे, हम भी उठ गए। सुबह है, आज संडे है। आप सबको संडे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा होता है कि ना सब घर में होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। कोई भी कहीं नहीं जाता और बहुत फुर्सत से सब कर रहे होते हैं हम लोग। और आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। और मैं उठ गई हूँ और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने चाय का पानी रखा है और मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना लूँगी, उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता हम इतना कोई पराठे वराठे नहीं खाते हम लोग। पहले हम पराठे खाते थे, अब बच्चे बिल्कुल भी पराठे नहीं खा रहे, क्योंकि वो दिल भर गए। कहते हैं भाई बचपन से ना दिल भर गया है पराठे खा खा के, अब ले आज हम पराठे नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं पराठे नहीं बनाती, हम ब्रेड खा लेते हैं। ये भी ब्रेड खा लेते हैं। तो गाइस आपको बताऊँ ना, तो अभी मैंने कैमरा खोला, लेकिन मम्मा को पता नहीं है कि मैंने कैमरा खोला हुआ है। और मैं मम्मा के पास चुपचाप जा रही हूँ, तो आप देखें क्या होता है अभी। मम्मा मैंने आपको पकड़ लिया, ये आप क्या कर रही हो? ये पता नहीं क्या मसला हो गया इस फ्राई पैन में, के ये ना मेरा अंडा। मैंने आपको बोला था पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गया। परेशान हो रही हूँ, ये देखो अंडा सारा तो पक के रह गया इसके अंदर। मम्मा मुझे पता है, मैंने आपको कितने दिन से बता रही हूँ, मान ही नहीं रही हूँ। देखो मैं ये कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ भाई, क्या करूँ अब। ये देखो मैं फॉक के साथ इसलिए उतार रही हूँ ना, ताकि ये फॉक से आराम से उतर जाए। लेकिन है ना, मुझे लगा इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि मुझे लगा कि इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडा कल भी चिपक गया था। ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी लॉजिक की, चिपक क्यों रहा है। चाय बन गई है? हाँ चाय बिल्कुल तैयार हो गई जो है ना, मैंने चाय बिल्कुल तैयार कर ली। अब चाय जो है ना बस निकालूंगी मैं और नाश्ता दे रही हूँ। पहले मैं बेटे को नाश्ता दे रही हूँ, ताकि उसके नाश्ते से हम फारिग हो जाए, क्योंकि वो जो है ना आज संडे है। अब ये अंडा तो भाई देखो क्या हुआ है अंडे का, अब ऐसा लग रहा है जैसे उसको मारा है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। जबरदस्ती दिया था तो वो अंडे को फ्राई करने में मजा नहीं आया कुछ मुझे आज। ये मैं बदलूंगी, ये जो ना अजीब सा हो गया है कुछ, ये ना आजकल है ना कुछ चीजें अजीब आ रही हैं, कुछ समझ से बाहर नहीं। मम्मी पुराना हो गया है। पुराना क्या, अभी तो लिया था ये हमने। हाँ तो वो खराब हो गया ना, अभी लिया था, लेकिन जो ये आया है ना, ये मुझे लगता है कि कुछ है ना खराब दे दिया है। तो गाइस अभी मम्मी जो है नाश्ता बना रही है, जब मम्मी नाश्ते पे आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देख रहे मम्मा की चलाकी, मम्मा ने मुझे कहा कि मैं नाश्ता दे रही हूँ और खुद नाश्ता करने बैठ गई। मैं जो ना जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी मैं अपनी चाय। मम्मा अपने गाइस को बताया था कि आप मुझे नाश्ता दोगी। जब तक चाय नहीं पीऊँ ना, सुबह की चाय तो लाजमी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह की चाय ना पीऊँ ना तो मुझसे तो भाई ये घर में ना चला भी नहीं जाता। मैं इसलिए सबसे जल्दी जल्दी नाश्ता बेटे को नाश्ता दे चुकी हूँ और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करके मैं तेजी से काम करती हूँ, क्योंकि अगर नाश्ता में मेरी चाय ना हो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और फिर मैं नाश्ते से निपट के आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी अम्मी अभी जो है जहर की नमाज अदा कर रही हैं। जब तक आप एक काम करें, देसी मोमिन किचन को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे व्लॉग्स को जो है पसंद करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं और जो है आपको एंटरटेन करने के लिए हमारे फैमिली व्लॉग्स आना ज़रूरी थे, तो हमने ये स्टार्ट किया है। तो बी सपोर्टेड, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आपको मिलते हैं जब मम्मा नमाज़ पढ़ लेंगी, तो आपसे वो खुद बात करेंगी। ओके जी, फिर पार खाने का होता है, तो इसलिए आज फिर हम आप मेरे साथ बस जुड़े रहे। आज हमारा संडे कैसा होता है हम आपको बताएं। क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों बैठी हो बाहर से आके, कोई मसला है क्या? क्या हुआ अभी, क्या हुआ है मम्मा, क्या हुआ? कोई ना कोई, बस मैं क्या बताऊँ, मैं सब परेशान हो जाएंगे अब। तो हुआ क्या है आज जो है ना, वो तुम्हें तो पता ही है कि जुम्मे को पानी आया था आसिम, अब जुम्मे को हमारे का थोड़ा सा पानी आया, भर लिया जी। अब भर लिया, उसके बाद है ना वो जनाब, मैं अभी 2 से ऊपर टाइम हो गया नमाज पढ़ के, मैं निमटी, मैंने घड़ी देखी तो 2 से ऊपर टाइम हो गया, 10 मिनट ऊपर चले गए।
तो मैंने कहा पूछूं जरा चौकीदार को, आवाज दी मैंने चौकीदार को आवाज दी, तो वो कह रहा है कि पानी है ही नहीं, पानी क्या आएगा ही नहीं। क्या जी, पानी मम्मा? पानी नहीं आएगा और हमारे घर पे बिल्कुल नहीं, पानी मम्मा नहीं नहीं। बोले ऐसे। अरे और आज संडे का दिन है, सारा संडे हमारा। देखे हम खुश हो रहे थे अच्छा सुबह उठ के। हुआ। देखे अल्लाह जानता है कि इंसान क्या करने वाला है आज। हम क्या सोचा था हमने कि आज हम इतनी इंटरटेनमेंट करेंगे, इतने मजे करेंगे। अब हम जो सोचते हैं ना, देखें हम इतना सोचते हैं कि अब हम ये कर लेंगे वो कर लें, हम कुछ भी नहीं कर मम्मा सकते। व्लॉग में अरे मजाक तो नहीं कर रही हो हमारे साथ? मैं मजाक तो नहीं कोई कर रही मजाक हो? नहीं कर रही हूँ। और हमें ये देखें आप, घर कितना फैल, कितना छोटा सा घर है हमारा, इतना छोटा सा घर है। आप अंदर से बाहर देखें, अभी हम उठे हैं, बिस्तर उठाए हमने, और है ना कितनी प्लानिंग्स पूरा की थी। कितनी प्लानिंग की थी। आज हम सोचे थे कहीं बाहर जाएंगे, कुछ पार्क में जाएंगे, कुछ ऐसे अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, हम यहाँ के पार्क दिखाएंगे, लेकिन हम कुछ पानी नहीं कर नहीं है तो सकते। क्या करें? बस समझ लेना, हम कहीं जाते हैं हम घर के अंदर ही बंद रहते हैं, समझ लेना। गाइस ये आप पानी का बहुत बड़ा मसला है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, बहुत है, आप बताएं हम इस मसले का क्या हल करें। हम परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा, हर चीज हमारी ना इसमें खत्म हो गई है, समझ ले ना। हम कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, और अब मैं जा रही हूँ। आपने पानी वाले को कॉल की? आज संडे को पानी वाले भी बंद सारे होते हैं। मैं ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूंगी आज, सारा दिन पानी कहाँ से लाऊंगी। अब वो ड्रम में भी ड्रम भरते हैं हम लोग, आपको दिखाया था हमने ड्रम भरते हुए, वो 2 दिन हो गए। मम्मा घर का काम करना है। अब मम्मा हमारे एरिया में पानी क्यों नहीं आता? आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस के एरिया में पानी नहीं आ रहा। आप लोग भी बताएं, आप लोगों के एरिया में पानी नहीं आता तो आप लोग कैसे सर्वाइवर करते हैं? हम तकरीबन 5 साल से सर्वाइवर जी मम्मा। हमने पहले इस एरिया में, आगे हम एक बिल्डिंग, हमारा बिल्डिंग सिस्टम है, हम आगे रहते थे बहुत, तो वहां से भी ये पानी का मसला था, तो हमने यहाँ पे चेंज किया। अब यहाँ पे चेंज किया है तो अब यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम तो समझ ले डिप्रेशन हो गया हमें, हम ना कहीं जाते हैं। अव्वल तो हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई है नहीं कि हम कहीं चले जाएं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे माँ बाप नहीं है, ससुराल भी नहीं है, मेरे शौहर भी नहीं है, और मेरा एक बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, वो जॉब करने जाता है, पढ़ता है, अपनी अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन है ना पानी का मसला तो मुझे ही हल करना होता है। अब मैं घर में होती हूँ, मैं बाहर के काम करती हूँ, घर के करती हूँ, ये पानी का सिस्टम जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब देखिए आप, पानी नहीं आ रहा, अचानक से हो जाता है कि पानी नहीं आ रहा। हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज। तो गाइस ये देखें कि हमारा पूरा तो घर फैला हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ, अब पता नहीं क्या हुआ मम्मा, क्या नहीं है, कोशिश पूरा खाली है। लगाती हूँ भाई कोई 2-4-6 डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर भी आपको पता है इतने कोई सस्ते नहीं मिल रहे हैं। अब लेने तो पड़ेंगे मम्मा। कल गिफ्ट ही देखे आपको मैंने क्या दिया, इसीलिए कि बच्ची बहुत जिद कर रही थी तो मैंने उसका दिल खुश करने के लिए कुछ ले आई थी। अब वो देखे, अब डिस्पेंसरों के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। पानी पीने का भी डिस्पेंसर मंगाए और इस्तेमाल का भी डिस्पेंसर नहीं आ रहा मुझे, मैं कितना पानी कहाँ से लाऊंगी। तो गाइस अब यही करना पड़ेगा कि हम पानी भरते हैं, अभी कोशिश करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ, हमारा संडे बहुत बर्बाद हो गया है। मेरे व्लॉग को थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए तो आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहें। बट हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए क्योंकि हमारा संडे बहुत बेकार हो गया, सैड हो गए, सैड हो गया, एकदम सैड हो गया। इवन हम सुबह इतने एंजॉय कर रहे, खुशहाल, इतने खुशी खुशी सब उठते हैं, और बस यही है कि हमारे हाथ में देखे कुछ भी नहीं। चले तो अब हम काम करते हैं हाथ में, और इसका भी वैसे तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम अभी ब्लॉग बना रहे हैं तो हम थोड़े ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कि हम आपके साथ जुड़े हुए। काम तो स्टार्ट हो गया मम्मा, अभी भी थोड़ा झाड़ लूँ, पानी का तो बड़ा मसला है, लेकिन देख रहे ना गाइस अभी कितना मैसी हुआ है किचन, मगर मम्मा ये बहुत जल्दी साफ कर लेंगी, और पानी भी नहीं है। अगरबत्तियाँ निकाली हैं भाई, दो मच्छर हो रहे हैं, थोड़े ना मक्खियाँ हो रही हैं, मैंने सोचा ये अगरबत्ती जो है ना ये लगाऊँ जरा ताकि ये मक्खियाँ जो है ना घर से जाएं, तो फिर मैं ये अगरबत्तियाँ लगाती हूँ। तो अभी हम काम कर रही हैं, मम्मा को अभी यहाँ भी काम करना है,
तो उसके बाद आपसे बात करेंगी मम्मा। मम्मा क्या कर रही हो? अरे ड्रम में दो डिस्पेंसरियां बड़ी मुश्किल से मिली थी, अब तो वो मैं भर के इसको अभी कहाँ है पानी अम्मी? खत्म हो गया पानी ना मम्मा, नहीं निकाली है पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सफाई करनी है, बाहर सफाई के लिए अपना छोटा घर है आप देखो, तो इसको अगर मैं साफ नहीं करूँगी तो कैसे बैठी रहूंगी घर में, मैं तो क्या वाइपर मार रही हो यार, पानी ना आए ना तो जिंदगी बेकार लगती है। ये देखे सारी दो डिस्पेंसरियां ली थी, ये दो डिस्पेंसरी अभी ली कहाँ है मम्मा, आएगी अभी डिस्पेंसरी तो बस क्या करें, आज तो संडे है ना तो वो लोग अब जो पानी था उससे मैंने थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर ली, थोड़ा सा कम पानी था उससे मैंने सफाई कर ली, अब शाम में जो है आएगी डिस्पेंसरी। देखिए मम्मा दो डिस्पेंसरी आएगी, वो भी वो बड़ी मुश्किल से ला रही, कह रहे हैं आज संडे है तो हम जो है बिल्कुल नहीं कर सकते आज, तो मैंने इनकी बहुत उनकी खुशामद की कि भाई हमारे घर में पानी नहीं, आप प्लीज हमें दो डिस्पेंसरी दे दें ताकि हम रात के लिए तो इस्तेमाल कर सकें। आप देखें बस यही मेरी मुश्किल है, हम इसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और खुश रहते हैं, बस कोशिश करते हैं। आज जैसे मम्मा हमारा संडे तो बर्बाद हो गया, संडे तो बर्बाद हो गया आज, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, और अभी हमने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, सोचा भी नहीं है हम क्या बनाएंगे। हाँ तो गैस काम हो चुका है और काम हो गया है, अब हमारे घर का बहुत टफ रहा आज का संडे का दिन हमारा, और पानी की बहुत, जैसे आपने वो बचपन में पढ़ा होगा ना कि कौवा था प्यासा था पानी की तलाश में निकला ये वो, तो आज हमारे साथ भी कुछ इसी तरह। मैं आप क्या पी रही हो ये बताओ आप? तो मेरे ना आज ना आज मैं रूटीन से हट के चाय पी रही हूँ, पी ना मैं सिर्फ सुबह ही पीती हूँ नाश्ते में चाय, आज मुझे कुछ लगा कि मेरे ना सर में दर्द सा हो गई, टेंशन है, आज संडे था बस दो केन आए पानी के ना दो डिस्पेंसरी, उससे हमने पूरे घर की सफाई की और इसलिए रख लिया, अभी आप बस अब देखते हैं खाना क्या बनाना है, वो एक डिस्पेंसरी है तो मैं उससे आज खाना बनाऊंगी। मम्मा ये बताया आज आप खाने बना क्या रही हैं? आज मेरा इरादा है कि मैं कुछ चावल टाइप की चीज बना लूँ, बस चावल कुछ ऐसे बनाऊँ, चावल की कोई डिश बना लूँ तो गुजारा करना है आज का, देखते हैं कल क्या होता है, बिल्डिंग में कि पानी आता है तो फिर खुशी आएगी घर में रौनक आएगी, आज तो बस ऐसे ही चला है सारा दिन, मतलब सुबह हम बहुत अच्छे उठे थे कि कुछ आज हम बाहर जाएंगे कहीं बाहर देखेंगे, लेकिन आज हम नहीं जा सके, मगर मम्मा भाई ने आपको समोसे तो खिलाए हैं। हम बस समोसे खाए, हमने थोड़ी देर हो गई थी तो भूख लगने लगी तो समोसे खाए मैंने, सबने खाए बच्चों ने, आज संडे का दिन होता है तो ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आते हैं तो इसलिए आज बच्चे कुछ ऐसा रखते हैं कि कभी पेटीज खा लेते हैं कभी समोसे इस टाइम खा लेते हैं 5-6 बजे के दरमियान, तो आज बस वही हुआ, अब खाने का है। आज देखिए किचन कितना सूना पड़ा है मेरा ना, कि आज मैं कुछ किचन में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया किचन में, बस गैस अगर घर में पानी ना हो तो क्या करे इंसान, करे बस घर की सफाई कर ली, सफाई के बगैर नहीं रह सकती क्योंकि हम नीचे सो जाए ना मामा, मुझे बहुत फैलावा है बस, मैं ना एक चीज़ से मैं कभी जिंदगी में किसी चीज़ से वो नहीं होती परेशान, बस मैं इससे होती हूँ अगर घर गंदा हो जाए या कोई डिसिप्लिन में कोई मसला हो जाए, पानी का मसला हो जाए, ये हो जाए तो बस मैं परेशानी रहती, वरना मैं हर किसी भी मुश्किल से घबराती नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे हर मुश्किल से निकाल दिया। तो आप क्या करने वाली हो? अल्लाह पे अपने पूरा यकीन है, इस मुश्किल से भी मुझे जरूर निकाल दिया। अब आप ये बताएं कि आप क्या करने वाली हैं? अब मैं जाऊंगी किचन में, मैं चाय पीऊंगी थोड़ी सी अपनी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी खाने की तैयारी करूंगी, फिर हम खाने पे मिलते हैं। ओके आप देख सकते हैं कि हमारे घर में आज संडे है, मगर बिल्कुल भी आपको कहीं से लग नहीं रहा होगा कि संडे, क्योंकि हमारा संडे बर्बाद हो गया, हमारे घर में पानी नहीं है नाम को भी, इसलिए मम्मा और हम सब लगे हुए हैं कि हम पानी भर लें, हम पानी भर रहे हैं और हम ये वो ड्रम तो दिखा दो मैं, और हम ये पूरे इतना महंगा पानी भर रहे हैं कि अगर आपके एरिया में वैसा होता तो हमें बताएं कि हम कैसे इसको चेंज कर सकें, क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। हाँ जी तो बाद इसके बाद हमने जो है वो चावल खाया, मीन्स के खाना खाया, मीन्स खाना बहुत मज़े का था, और खाने में जो तो मटर आलू चावल थे, और जो है
मैं इसलिए आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ इस वीडियो पे, क्योंकि हमारे घर मेहमान आ गए थे, सब मेहमान के सामने तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं सोचा कि इसका मींस के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और खाना बहुत ही टेस्टी था, उसके साथ जो थे रायता था, उसके साथ सैलड भी था, जो कि हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे देसी मोमो किचन पे। और जो है देसी मोमो किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, हमें बताएं कि और हम कौन से व्लॉग्स हैं, हमारे व्लॉग्स को पसंद करें, हमारे डेली रूटीन के व्लॉग्स को। जी मम्मा, हो गया आपका काम? गाइस आज ना बहुत टेंशन वाला दिन रहा है, पानी बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि जैसे तैसे गुजारा कर लिया है, चावल बना लिए थे बस थोड़े से, बहुत ही मजे के थे मम्मा, खाना निमट गया है, थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो मैंने पानी नहीं था जैसे तैसे करके धो लिया है। अब बस है ना, मैं बहुत आज ना थक गई हूँ बहुत, ये पानी की जैसे ना मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ, बहुत मेरी ज़िंदगी ना आजीवन बन गई है समझ ली। आज मैं बस इतना ही, यहीं तक आपका मेरा साथ था, फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉक में। और बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह भैया ये पानी का मसला इलाके में है, पूरे इलाके में ही है, हमारी बिल्डिंग में ही नहीं है, पूरे इलाके का मसला है। देसी मोमो किचन को सब्सक्राइब कर दें, बस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ये इस मुश्किल से निकल सकूँ। मैं यहाँ से घर तब्दील करना चाहती हूँ, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, बस हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी ये मुश्किल हल हो जाए। और अल्लाह हाफिज़।